कल रात मैंने सपने में मयूरी को देखा, वहां खड़ी थी, वही धुन बजा रही थी पियानो पे, वो आंख खुली, कुछ नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो वही खड़ी थी। आपको लगता नहीं उसे बुलाने का वक्त आ गया? इंडियन बिजनेस समिट की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मैं खुद देख रहा हूं। आपकी वन सेकंड प्लीज। हाँ बोलो। व्हाट? दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसने? मैं फोन करता हूं तुम्हें। ये नई मुसीबत क्या है? कुछ नहीं है, मैं हूं ना। अनिरुद्ध, आप क्यों चिंता करते हैं मिस्टर जेटली? आराम से बैठिए, मैं देख लूंगा। ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, मैं आप ही के पास आऊंगा, आई प्रॉमिस। दवाई खाना मत भूलिएगा। ये होटल मेरा है, मेरा, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं कर सकता? किसी को मेरी परवाह नहीं, किसी को भी नहीं। नील, जो बाद में तुमसे कहने वाला हूँ वो इन कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू पैनिक, पर मामला अर्जेंट है। मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस हमारे डिस्कोथेक पर रेड करने वाली है। उनके हिसाब से वहाँ एक ड्रग रैकेट चल रहा है। सर, डिस्को में ड्रग्स ही सप्लाई? मुझे तो नहीं चाहिए थी, पर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है। ये रैकेट कब से चल रहा है हम नहीं जानते, कौन कौन इन्वॉल्व है हम नहीं जानते, या हमारा अपना कोई आदमी इन्वॉल्व है हम नहीं जानते। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे हमें पुलिस से पहले। सर, पुलिस की रेड कब हो सकती है? आज, कल, परसों, कभी भी, पर हम इस रेड का इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, हमें उससे पहले इस रैकेट को खुद एक्सपोज करना होगा। विल बी ऑन इट सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर रॉनी डिसोजा से शेयर करता हूँ और हम स्ट्रैटेजी बनाते सर। वील यस सर। वो इंडिया बिजनेस मीट में बिजी है, उन्हें वहीं रहने दो। ये मिशन तुम्हारे और मेरे लिए है, एंड अनटिल फर्दर ऑर्डर्स ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। राइट सर। डिस्को शाम को 8 बजे खुलता है नील। द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। Okay, Mr. Sen. Wait for 1 minute. Excuse me, sir. Ek packet Harry, boss. नया आया क्या? तो पहले तो कभी देखा ना? नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने भेजा मुझे यहाँ पे। वो उन्होंने बोला कि यहाँ तो हरी मिलेगा। कौन से दोस्त? उसका नाम है एक लड़की, पर नाम में क्या रखा है? हमें तो सिर्फ एक ही नाम आता है ना, हरी। वेट करें यार। फेल हो गया सर। डैम इट, मॉनिटर रूम में मिलो मुझे। राइट सर। इट्स ओके नील, जस्ट अ सेटबैक, मिशन फेल नहीं हुआ अभी तक। आई नो यू ट्राइड योर बेस्ट। फुटेज रिकॉर्ड हुई है? यस सर। दिखाओ। आई वाज राइट। ये फोन पर किसी को इन्फॉर्म कर रहा है तुम्हारे बारे में? नहीं सर, उसने फोन किया नहीं है, उसने फोन उठाया है सर। ये देखिए, यहाँ पर उसकी हैंड मूवमेंट देखिए सर।
उसने एक ही बटन प्रेस किया है मोबाइल पे, दिस वन। यानी कोई और था, किसी और ने उसे इन्फॉर्म किया तुम्हारे बारे में। सो यू वर राइट, होटल का स्टाफ इस रैकेट में इन्वॉल्व्ड है, पर कौन? सकल रात एक बार मैं फिर डिस्को जाना चाहता हूँ। तुम नहीं जा सकते, यू आर एक्सपोज्ड। वी हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स, कोई और जिस पर शक ना हो, जिसे स्टाफ पहचाने नहीं, जो नया हो। एनी, अनायता जाएगी कल। सर, एनी को भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा सर। इंटेलिजेंट रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं, नेसेसरी रिस्क। कल सुबह आई वॉन्ट स्पीक टू एनी फर्स्ट थिंग इन माई रूम। ड्रग्स का धंधा नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे ये होटल चाहिए। खोखला करना है गुलमार को। कल रात अगर पुलिस की रेड पड़ जाती तो स्कैंडल हो जाता। ये बुद्धा जेटली मेरे सामने आके गिड़गिड़ाता। नेगजी भाई, आप बाप रो, ये होटल अब मुझसे नहीं होता। पूरा मीडिया बुलाकर सबके सामने इसको नचाता। साहब साहब, चौपट तेरे होते हुए सब कैसे हुआ? साले अनिरुद्ध ने कुछ बताया ही नहीं, सीधा नील गुजराल के पास चला गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नील गुजराल, ये वही है ना जिसने मेरे आदमी रमन को पकड़ा था? हाँ, उस दिन गोली आर पार हो जाती तो? ये अकेला ही छानबीन कर रहा है या इसके पीछे इसके बाप दादा, डेटली, क्या वो एमडी तुम्हारा अनिरुद्ध, या कोई और है? अकेला तो नहीं हो सकता, और अगर ये सब अनिरुद्ध के कहने पे हो रहा है तो जरूर उसका कोई इन्फॉर्मर है जिसने उसे रेड के बारे में टाइम पे बता दिया। मेघजी भाई, हमें कुछ दिन ठंडा रहना चाहिए। मेघजी भाई, अगर मैं पकड़ा गया तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेघ जी भाई, अगर मेरे बाद आप पकड़े गए तो? छोटा आदमी हूं मेघ जी भाई, ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाऊं। आप समझ रहे हैं हा? आगे का क्या प्लान है? प्लान और एक पैकेट हैरी। एक्चुअली मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो यू नो अमाउंट बहुत बड़ा है। मैम, परिश नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे बोला गया था कि अगर तुम्हें टिप दे दें अच्छी तो। मैम, आप थोड़ा वेट कीजिए। Ha
मैम आपका काम हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन होटल के बाहर 10:15 बजे गार्डन रोड पे एक लाल गाड़ी आपका इंतजार करेगी इस नंबर प्लेट के साथ। और याद रखिएगा, अकेले जाना। थैंक्स अटन, मैं पहुंच जाऊंगी। सर मुझे कहीं बाहर बुलाया, आई होप आप लोग सुन रहे हैं। एनिका मां अकेले जाना सेफ नहीं है नील, उसके पीछे पीछे रहो। I'm on it, sir. Best of luck. मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं अनुरोध सर को फोन कर रहा हूँ। मैंने पहले गोली की आवाज सुनी, फिर इस आदमी को भागते हुए देखा, मतलब खून इसी ने किया है सर। यानी यही है जो ड्रग रैकेट के पीछे है सर। व्हाट ड्रग रैकेट? यस सर। ओह नो, जल्दी पुलिस को फोन कर। सर मैं पहले अनुरोध सर को फोन करता हूँ। अनिरुद्ध सर आ जाएंगे, पहले पुलिस को फोन कर। जूनियर क्या? चेयर्स। पुलिस भी आई, लेकिन जो भी हुआ गुलमोर ग्रैंड के बाहर हुआ, इसलिए होटल का नाम इस सबसे जोड़ा ही नहीं जा सकता। मुझे छोटे नहीं बड़े फायदे देखने की आदत। बहुत बड़ा फायदा है मेघ जी भाई, जरा सोचिए, अनिरुद्ध के सामने अगर दो बकरे नहीं डाले होते तो डिस्को में चल रहे ड्रग्स के रैकेट की छानबीन वो अभी तक नहीं छोड़ता। अब उसके हिसाब से एक ड्रग डीलर जो कि इस रैकेट का बॉस है, यानी कि खरबंदा, वो पकड़ा गया है। उसके लिए ये स्टोरी ओवर। अब आप अपना बिजनेस चालू रख सकते हैं। रेट तो पड़ेगी, लेकिन इस बार अनिरुद्ध को कानो कान खबर नहीं होगी। आई अश्योर यू मेघ जी भाई। और उस रेड के बाद गुलमोहर ग्रैंड खत्म। वो सब तो ठीक है मेघ जी भाई, लेकिन वो खरबंदा जिसे पकड़वाया है, कहीं वो अपना मुंह तो नहीं खोल देगा? मैं लोगों के मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे देता हूं। तो फिर इसी बात पर बॉटम्स अप। क्या पता चला रॉनी? इंस्पेक्टर से बात हो गई है सर। अच्छा बंदा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से गुलमोहर को बाहर रखने के लिए मान गया। ग्रेट न्यूज। We're so lucky, na, Ronnie.
कि तुम वहां थे कल। अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। क्या लगता है तुम्हें, इस रैकेट का किंग पिन खरबंदा है ना? कुछ भी कहना मुश्किल है सर। एक्चुअली आपने इस केस में मुझे बहुत लेट इन्वॉल्व किया, इसलिए समझने में टाइम तो लगेगा। आप मुझ पे भरोसा नहीं करते सर। लाइफ के 15 साल गुलमोर को दे दिए, आप फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं करते। इससे तो अच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं सर। Oh, come on, रानी, कितने सालों से जानते हो तुम मुझे। I'm sorry, मुझे सबसे पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए था। After all, तुम्हारे से ज्यादा एक्सपीरियंस यहां किसके पास है? अगर मैं सबसे पहले आके तुम्ही को पकड़ता तो मेरा काम आसान हो जाता। It's okay, sir. अच्छा लगता है जब गुलमोर ग्रैंड का MD अनिरुद्ध दत्त सॉरी बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।